पुणे में आयोजित होने वाले G20 की बैठक में FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और नामरेशी को इस बार थीम के रूप में चयनित किया गया है। इसी सिलसिले में उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर कार्यशाला का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि निपुण भारत मिशन के तहत बनाए गए वार्षिक प्लान को जिला में बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिला के विभिन्न स्कूलों का समय समय पर दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वर्ग 1 से 3 तक के नए निपुण भारत के तहत FLN द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसकी उपयोगिता और सार्थकता की भी जानकारी सभी शिक्षकों को बुनियादी स्तर पर दिए जाने को भी विभाग को निर्देशित किया गया। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा किस तरह से प्रदान की जाए ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके और बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का नाम है निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसमें जो है बच्चों को जो है एक संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता, बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरेसी जैसे कि FLN कहा जाता है अंग्रेजी में, ये देने का प्रयास है। क्योंकि देखा गया है कि प्रायः जो टीचिंग मेथड्स है या जो शिक्षक गण हैं वो 1 से लेकर 3 तीसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको जो भी पढ़ाते हैं वो या तो उनको किसी कारणवश वो समझ में नहीं आता है या उनकी मातृभाषा में जो है समझाने की थोड़ी कोशिश करनी होगी, खेल खेल में समझाने की कोशिश करनी होगी। तो जैसे इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे TLMs टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रखे हैं जिससे कि खेल खेल में बच्चा समझेगा, सीखेगा किस प्रकार से गिनती जो है केवल किताबी ही नहीं आपके जो अगल बगल के जो भी जैसे पेड़ है, पत्ते, पौधे कितना है, उसका बाज़ार में किस प्रकार से वो यूज़ कर सकते हैं, अपने दिन भर जो दिनचर्या है उस प्रकार से कैसे वो अपना संख्यात्मक वृद्धि किस प्रकार से करें, इसी के ऊपर जो है एक वर्कशॉप किस प्रकार से नई नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी 2020 में उसके अंतर्गत जो भी नए तरीकों के बारे में बताया गया है उसी का एक वर्कशॉप आज जिला स्तरीय हुआ जहाँ पे उपायुक्त महोदय भी मौजूद थे। और ये कार्यक्रम जो है आगे चलेगा, इसका है 2026 तक टारगेट है कि हमारे सारे जो बच्चे हैं वो उनके वर्ग के अनुसार अपनी संवर्धन क्षमता प्राप्त करें। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। टफ्टॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।